इस वेले असी बठिंडा जोन दे आई जी एम एफ फारूकी दी कोठी दे बाहर मौजूद हैं। तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी कोशिश करदे हैं कि जिहड़ी आई जी साहब दी कोठी है वह पूरी तरह दे नाल डुब चुकी है। तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो जिहड़ियां कारां ने वह तकरीबन पूरी डुब चुकियां ने। पानी दे विच दस्या जा रहा है कि इस जगह ते 9 तों 10 फुट तक पानी है। जिहड़ी सरकारी कार है वह भी तुहानूं दिखाउण दी कोशिश करदे हैं। दूसरी तरफ कार खड़ी है सफेद रंग की इनोवा, वह तुसीं देख सकते हो कि की हाल है, पूरी तरह के नाल डुब चुकी है। पानी बहुत ज़्यादा है। दस्या जा रहा है कि जो बरसात हो रही सी हौली हौली करके पानी इकट्ठा होया ते जिस तो बाद एक कंध है इस कोठी दे बैक साइड ते वो डिगी, जिस दे बाद जेड़ा पानी इस कोठी दे विच आ गया। इत्थों दे जेड़े कर्मचारी ने उन्हां नाल गल करन दी कोशिश करांगे। होया की सीगा भाजी, की होया सीगा जदों इह पानी आया अंदर? ये बारिश ज़्यादा हो रही सीगी, सब अंदर सीगे ते एकदम पता लग्गा भी जिहड़ी दीवार दे विच थोड़ा जिहा शेक होण लग्गा, तां असीं उसे टाइम साहब नूं बाहर कढ के लै आंदा, नाल बच्चों नूं बाहर कढ के लै आंदा। तो आने के नाल ही दीवार टुट गई, पानी जिहड़ा अंदर सारा एंटर हो गया, सारे जिन्ना भी समान तैश नैश हो गया। गड्डियां भी कढ़न की कोशिश करन तक भी निकलियां नहीं गईयां, हुण तक तां पानी 6-6 फुट तक पानी आ चुका सी, उस तो बाद पूरा पानी भर गया। हुण थोड़ा जिहा डाउन है समान, हौली हौली जिन्ना भी असीं कढ रहे हां, जिन्ना बच गया असीं कढ रहे हां समान नूं, ते सेफ सभा ते साहब नूं भेजता सीगा, बच्चों नूं सेफ जगह ते भेजता, तां पानी बहुत ज़्यादा है। किन्ने जने सीगे जी जदों इह पानी? इत्थे परिवार दे 3 फैमिली मैंबर सी, साहब सी, साहब दे मैडम सीगे, उन्हां दा बच्चा सी, 2 रिश्तेदार आए हुए सीगे, वह भी अंदर सीगे, 5 ही अंदर सीगे। जिहड़ा घर दा समान सी, दस्तावेज सी जां होर भी, वह भी भेज चुके? हाँ भेज चुका है जी, उन्हें कुछ असी कोशिश कर लीए, कुछ बच गए कागज, कुछ भेज चुके आ, भेज गए सीगे, असी कढ़ा के सेफ जगह ते अपने साहब कोले भेजते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत। तुसीं सानूं दिखा सकदे हो किहड़ी कंध है जिहड़ी डिग्गी आ? उह दस्या जा रहा है कि किहड़ी जिहड़ी कंध तो बाद जिहड़ा ये पानी अंदर आया, वो दिखा सकते हो तुसीं किस पासे है? असी अपने दर्शकों नूं दिखाने की कोशिश करते हैं। जिहड़ी कंध टुटी है जिस तो बाद लगातार सीधा पानी अंदर आया है। साडे साइड तो जिहड़ी ये कंध टुटी है, इत्थे पुरानी कंध है, इहदा परले पासे पानी पहले भी बहुत ज़्यादा हुंदा है। ये नुक्कर तो द्वार टुट के पहले थोड़ा शेक होया, उस तो बाद एकदम डिग गई है, पानी सारा अंदर एंटर हो गया, तो सारी कोठी तैश नाश हो गई है। इस तो बाद हुण साहब नूं कित्थे भेजा गया? ये तो अपनी सेफ जगह ते रेस्ट हाउस वगैरह भेज दिते जी, सेफ जगह ते भेजते कोठी उधर। हुण किस तरह का काम चल रहा है? हुण असीं कढ रहे हां समान, जिन्ना भी साडे कोल निकल रहा सी समान सेफ करके कढ रहे हां, लगे पए हां असीं पूरा, साडे जिन्ने भी सारे कर्मचारी ने ते सारे कढ रहे समान असीं, ते उधरों समान लैके आ रहे हैं, कढ़ी आउंदे आ। अच्छा, पहला तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि कुछ कर्मचारी ने जिहड़े आई जी साहब का समान कढ रहे ने ते पूर्ण तौर पर डुबे हुए ने। सिर के उत्ते एक कोई पॉलीथीन रख्या होया है जिस दे विच कुछ समान हो सकता है, ते दो लोग ने जिहड़े पूरी तरह के नाल डुबे हुए ने, जिस तो अंदाजा लगा सकते हो तुसीं कि किन्ना किन्ना पानी इस कोठी दे विच होएगा। सर एक गल होर दसो, ये पानी पहली बार इन्ना आया जां पहला भी आउंदा सी? नहीं, पहले भी एक बार डिग चुकी सी, श्री अस्ताना साहब सीगे आई जी साहब, उदों भी एक बार टुट गई सी दीवार पिछली साइड तो, उदों पिछली साइड तो टुटी है, हुणे अगले पासों टुटी है, पिछों दोबारा जिहड़ी दोबारा इन्हां दे कंप्लीट हो चुकी सीगी, ये थोड़ी जी इस साइड ते कोई कंडम सीगी तां इहदा नुकसान होया। इहदों पहले भी दो, ये तीजी बार आ चुका पानी है, इस तो पहले दो बारी पहले भी आ चुका है। वो दीवार पुरानी ज़्यादा हो गई सी कि की? उहदे चार सफेरे पानी जिहड़ा रुकदा चारे पासे, इह पावरस रोड दा सारा पानी इकट्ठा हुंदा है, वो इत्थे जदों गड्डियां निकलदियां वो दीवारां दे नाल वजदियां, पुरानियां दीवारां होण करके, ते बाली खस्ताल ते नीवी सीगी ज़्यादा, इस करके इधर पानी ज़्यादा। तुसीं इत्थे ही वर्क? हाँ, मैं इत्थे गार्डन चार्ज हाँ जी, मेरे कोठी दे रंग नरानी है मेरी जी, मेरे को 8 बंदे है इतने कर्मचारी जे गार्ड के पिछे, रीयर गार्ड तो फ्रंट गार्ड दे। असी देख रहे हैं कि बिल्कुल नाल जी शासन जज साहब की कोठी है वह भी डुब चुकी है पूरी तरह। हाँ जी हाँ जी, वो पहले भी इदा डुब गई सी, उधर भी पानी हूँ जो निकासी गांह नूं हुई जाती है उधर भी पानी जा रहा, वो भी अपना समान कढ़न ते लगे पे, किश्ती वगैरह ला रखी उन्होंने, तो वह भी कढ रहे समान, अपना सेफ जगह कर रहे हैं, कोर्ट नूं लैके जा रहे समान जी। तो ये
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢੀਏ। ਜਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕੇਦਮ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੇਦਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਬਠਿੰਡਾ।